नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, शगुन अपशगुन, अच्छा समय बुरा समय, प्रकृति हमें अनेक प्रकार से ऐसे संकेत देती है जिन्हें पहचान कर हम भूतकाल से ही ये जानते आए हैं कि कब अच्छा समय आने वाला है और कब आपदा अथवा बुरा समय आने वाला है। दोस्तों, प्रकृति हमें यह संकेत जीव जंतुओं के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा एवं पशु पक्षियों एवं स्वयं मनुष्य के शरीर के द्वारा भी देती है। दोस्तों, मनुष्य लालायित रहता है यह जानने के लिए कि कब उसका अच्छा समय आएगा और कब वह प्रगति करेगा। दोस्तों, इसी सीरीज में आज का हमें विषय है हमारा टिटहरी। दोस्तों, टिटहरी पक्षी भारतवर्ष में लगभग प्रत्येक राज्य में पाया जाता है। यह पक्षी जमीन पर अपना घोंसला बनाता है और जमीन पर ही अंडे देता है। दोस्तों, यह पक्षी खेत खलिहानों, खाली पड़ी हुई भूमि, नदी तालाब के पास अथवा रेतीली जमीन में अपने घोंसले को बनाकर अंडे देता है। यह बड़ा ही सजग पक्षी होता है और मातृत्व की भावना इस पक्षी के अंदर बहुत अधिक होती है, क्योंकि जब भी इसके अंडों या बच्चों पर कोई खतरा आता है तो यह जी जान से उस खतरे से लड़ जाता है और बार बार उसे वहां से भगाने की चेष्टा करता है। साथ ही इसे बुद्धिमान पक्षी भी माना जाता है, क्योंकि जब इसे यह लगता है कि कोई खतरा इसके छत्ते के, इसके घोंसले के बहुत नज़दीक आ गया है, तो यह एक विशेष आवाज़ निकालता है जिससे इसके बच्चे मरने का ढोंग करते हैं अथवा मरने का अभिनय करते हैं जिससे वह खतरा टल जाए। तो दोस्तों, यह बहुत ही बुद्धिमान और सजग पक्षी है। यह पक्षी कभी भी पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस पक्षी को भगवान ने चलने के लिए जो पैर दिए हैं वो आगे की तरफ दो उंगलियां हैं, जबकि पीछे की तरफ कोई उंगली नहीं है, जो पेड़ पर अथवा ऊंचे तारों पर, खम्भों पर बैठने के लिए सही या उपयोगी हो। इसलिए यह पक्षी पेड़ पौधों पर बहुत ही कम बैठा हुआ दिखाई देता है और ऊँचे भवनों अथवा तारों, खम्भों पर इसे बैठा हुआ नहीं देखा जा सकता। इसकी शारीरिक संरचना की वजह से यह पक्षी ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता, परंतु जब यह खतरे का आवाज पाता है तो यह बड़ी ही तीव्र और वेदन वाली आवाज़ निकालता है जिससे इसके शत्रु वहाँ से हट जाएं, वहाँ से चले जाएं। दोस्तों, यह पक्षी लगभग सभी लोगों ने देखा होगा और सभी ने इसकी आवाज़ सुनी होगी। इसे टिटहरी अथवा टिटेरी नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, यह पक्षी हमारे लिए कई ऐसे संकेत लेकर आता है जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं नकारते। वैज्ञानिक जो इन बातों को अंधविश्वास मानते हैं, वे भी यह मानते हैं कि टिटहरी के द्वारा दिए जाने वाले संकेत शोध के विषय हैं। वे इसके संकेतों को कभी नहीं नकारते। इसलिए दोस्तों, इसे अंधविश्वास ना मानकर इसे सही रूप से इसके संकेतों को समझा जाए तो व्यक्ति अपने आने वाले समय को पहचान सकता है। दोस्तों, भारत के किसान इस पक्षी को अपना मित्र समझते हैं, क्योंकि इस पक्षी के द्वारा दिए जाने वाले अंडों से वे जान सकते हैं कि बारिश कब होगी, कितनी होगी और किस प्रकार होगी। लगभग बहुत समय पूर्व से ही यह ज्ञान भारतीय लोगों को है कि टिटहरी ने कितने अंडे दिए हैं, उस हिसाब से बारिश होगी। अंडों की स्थिति क्या है वो वह बताएगी कि बारिश धीमी होगी अथवा तेज होगी। और टिटहरी ने जहां अंडे दिए हैं वह बताता है कि इस बार बारिश होगी अथवा अकाल पड़ेगा। तो दोस्तों, टिटहरी के बताए जाने वाले यह संकेत हम आपको बताते हैं, आप इन्हें समझिए और देखिए कि वैज्ञानिक भी टिटहरी के ऊपर शोध करना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर एक, टिटहरी का किसी पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देना। दोस्तों, वैसे तो यह बहुत ही कम देखा जाता है कि टिटहरी पेड़ पर बैठी हुई है, क्योंकि यह जमीन पर ही रहती है और जमीन पर ही चलती है।
परंतु जब इसे पेड़ पर बैठा हुआ देखा जाता है तो इसे प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जाता है। यह एक ऐसा संकेत है जो मनुष्यों को बताता है कि शीघ्र ही कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के शोध कहते हैं कि जब जब टिटहरी को पेड़ पर बैठा हुआ देखा गया है उसके 2 या 3 दिन के अंदर भूकंप जैसी घटनाएं अवश्य हुई हैं। नंबर 2, टिटहरी के अंडे देना। दोस्तों, अगर टिटहरी जितने अंडे देती है भारतीय किसान उस हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि कितने महीने बारिश होगी। जैसे अगर टिटहरी ने 2 अंडे दिए तो 2 महीने बारिश होगी, 3 अंडे दिए तो 3 महीने और 4 अंडे दिए तो 4 महीने बारिश होगी। उसी प्रकार बारिश किस प्रकार या कैसी होगी इसका भी अनुमान लगाया जाता है। मान लीजिए अगर टिटहरी ने खड़े अंडे रखे हैं अपने घोंसले में तो बारिश तेज होगी, और अगर लेटे हुए अंडे रखे हैं तो बारिश धीमी होगी। अर्थात अगर 2 अंडे खड़े और 2 लेटे हैं तो 2 महीने तेज बारिश होगी और 2 महीने धीमी बारिश होगी। इसी प्रकार जगह का जो चुनाव होता है वह भी बताता है कि टिटहरी प्रकृति के संकेतों को समझकर हमें बता रही है कि किस प्रकार की बारिश होगी। जैसे अगर टिटहरी ने ऊंची जगह पर अपना घोंसला बनाकर अंडे दिए हैं, जैसे खेत की मेड़ या और ऊंची जगह, तो समझ लीजिए कि बारिश तेज होगी जिससे जल भराव में उसके अंडे बिगड़े नहीं, उसके अंडे बहे नहीं। वहीं अगर टिटहरी ने जमीन पर या खड्डे में अपने अंडे दिए हैं तो यह इस बात को बताता है कि उस वर्ष बारिश बहुत कम होगी और अकाल पड़ने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, टिटहरी के द्वारा दिए जाने वाले संकेत बहुत प्राचीन काल से भारतीय लोग मानते आ रहे हैं और इसे वैज्ञानिकों ने भी नहीं नकारा है, वे भी इस पर शोध कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।